ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਲੈਮਬੋਇੰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮਾਨਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਓਵਰ ਟੂ ਮਾਨਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਗੜਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੋ ਦੇਖੋ ਚਮਕਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ हाँ मैंने पता कुड़ियाँ कहेंगी इतना कुछ करके भी कहते तो अंजाम नहीं किया बट ये मेरी तरफ से कम था मैं वैसे भी नहीं मनाती खुद ही मानते हो और क्या मैं ते हो गई हालो बेहाल नी माए कंगी वावा ते दुखन मेरे वाल नी माए हाय हेलो सत श्री अकाल दिस इज़ मानसी युवराज हंस और जो आज हम सास बहु साजिश की टीम के साथ शूट करने वाले वो है करवा चौथ स्पेशल क्योंकि आपको पता ही है पंजाबियों में वैसे तो सब में ही होता है करवा चौथ स्पेशल लेकिन हम लोगों में ना कुछ हर चीज़ का ना वैसे ही उनको त्यौहार बनाना होता तो अभी ये लगता है कि ये मौका मिला लड़कियों को सजने धजने का फास्ट रखने का पति के लिए थोड़ा सा इम्प्रेस करने का देखो हम तुम्हारे लिए कितनी देर भूखे रहते सो आज उसके बारे में मैं आपसे बात करने लगी हूँ ये जो लिविंग रूम है हमारा जो आज सेलिब्रेशन रूम बना हुआ है मेरी फ्रेंड्स आई हैं और मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और करवा चौथ के लिए क्या क्या ड्रेसेस रखी हैं क्योंकि सुबह सरगी होती है दोपहर को पूजा टाइम पर रात को अर्घ टाइम पर क्या है आजकल ना लड़कियाँ थोड़ा फैशन में ज़्यादा बिलीव करती हैं तो उसके लिए अलग 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 चीज़ें रखी हुई है सो वो मैंने सब प्लान करके रखा हुआ है और सरगी जो मेरी सासू माँ मुझे देने वाली है मैंने सासू माँ जी को बुलाया जो बड़ी सहमी हुई है तो प्लीज़ ये मुझे कैसे मेरा हर बार फास्ट रखवाती है मुझसे मतलब कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता होती ऑब्वियसली लड़कियाँ थोड़ा ट्रेंड के चक्कर में ना फास्ट रखते थे पहले लेकिन जो ट्रेडिशनल वे होता है आपको पूरी डिटेलिंग इतनी नहीं पता होती सो वो हमारी मदर इन लॉ ने ही हमें बताया और उसमें क्या क्या रखा जाता है क्या क्या खाया जाता है वो सब मैं आपसे बताने वाली हूँ और मेरी ड्रेसेस आप लोगों से मैं शेयर करूँ और मेरी फ्रेंड्स जो मेरी डिज़ाइनर्स हैं डिज़ाइनर्स कम फ्रेंड्स हैं वो लोग आई हैं मैं आप लोगों को मिलाऊँगी किसने कौन सी कॉस्ट्यूम बनाई है मेरी जो मैं पहनने वाली हूँ पहले थे एक गुरप्रीत जी फैशनिस्टा जो आप इंस्टाग्राम पर मेरे देखते होंगे ये तीनों ही हैं जिनके मैं कपड़े बस मतलब मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पुण्य किए हैं कि मुझे कपड़े सुंदर सुंदर पहनने को मिलते हैं सो शी इज़ द वन जिनका मैं रात के पूजा टाइम पे पहनने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ सो अच्छा शुरू करते हैं सरगी टाइम का सरगी का इन्होंने बनाया बस वो ऑन द वे ही है अभी पहुँच जाएगा जब तक हमारा ये चल रहा है शूट मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ उसके बाद है जो दोपहर को पूजा होती है मंदिर जाने वाला वो मैं ये लहंगा चोली पहनने वाली हूँ और इनका मेनली काम हैंड एम्ब्रॉयडरी का है मतलब पंजाब में जो लड़कियां जिनको हैंड एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दीप्स कटोर इंस्टाग्राम पे आप जो तुम बोलो इन्ना शर्माना नहीं है पहले दोस्तों अपने बारे मेरा नाम गगनदीप कौर है तो मैं ऑनलाइन स्टोर चलानी है तो मेरा दीप्स कटोर के नाम से स्टोर है तुम मैं फॉलो कर सकते हो और मेरा मेन मोटिव रहता है लड़कियाँ जो इतनी पैशनेट है काम को लेकर सो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू प्लेटफॉर्म ईजी हो चुका है तो मैं चाहती हूँ और हम जितनी हमसे हेल्प हो सके मैं कोई इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ बट जितना भी मेरे से हो पाता है सो मुझे लगता है कि प्रमोट करना चाहिए एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए सो ये है मेरा रात वाला लहंगा मुझे होता है कि मेरी ज़िंदगी ना ब्लैक एंड वाइट के पीछे ही चल रही थी तो मुझे ऐसा लगता है ये सब ओकेजन होता है जिसमें आप कलरफुल चीज़ें पहन सकते हो तो मुझे होता है मैं ट्राई करूं बट कभी कभी होता है ना जब आप ट्राई करने का सोचते हो लेकिन एंड अप आप फिर से वाइट ब्लैक में ही हो जाते हो बट आजकल मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहिए और लोग क्या कहते हैं रेड ज़्यादा सोचते करवा चौथ में बट आजकल वो सब नहीं अगेन फैशन है सब लोग उसके हिसाब से चलते हैं तो मुझे था कि मैं तीनों टाइम पर डिफरेंट कलर्स पहनूँ सो रात को ये रस्ट ऑरेंज है उसके सॉरी दोपहर के टाइम पर उसके बाद है ये एंड ये बनाया है मेरी इन फ्रेंड कम डिज़ाइनर ने फैशनिस्टा सो इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो इनका इन्होंने ये बनाया सीरियस कलर
लखनवी टच एंड प्लाजो काइंड ऑफ विद चोली. सो ये मैं रात को सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर दिस स्वीट हार्ट एंड शी इज रियली वेरी वेरी स्वीट हार्ट वेरी स्वीट. अच्छा बोले रहे हैं मैं देखो फ्रॉम लास्ट वन ईयर आई एम मेकिंग ड्रेसेस फॉर हर एंड मैं आज तक इतना जितना स्वीट कोई नहीं देखा एंड शी इज सच अ स्वीट हार्ट वेरी स्वीट गर्ल एंड दिस इज सी दिस इज डिफरेंट समथिंग या सो आई जस्ट लव्ड इट. यस सो ये मेरा है रात के अर्घ टाइम पे. मतलब उस पर बेब लगना चाहिए ना, मतलब जरूरी थोड़ी कि ट्रेडिशनल, बस सिर पे चुन्नी ले लेनी और प्रॉपर तरीके से हम फुल फैशन. एंड इसके साथ मैंने मैचिंग जो मैंने इयर रिंग्स पहने उसके साथ की मैंने थाली ली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. निहारिका जी जो वहाँ चली गई, थोड़ा सा मूड अपसेट हो रहा है क्योंकि उनकी ड्रेस आने वाली होगी. उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि मैंने उनको बड़े शॉर्ट पीरियड में बोला कि मुझे शिट सरगी का तो मैंने कुछ बनाया नहीं और मैं चंडीगढ़ में भूल गई हूँ. सो कैन यू इमेजिन विद इन आई थिंक 2 आवर्स में रेडी हो गया मेरा ड्रेस, तो आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी. इतनी टैलेंटेड है मेरी फ्रेंड्स. और ये है थाली, ये ट्रेडिशन. मतलब पहले क्या होता ना, थाली गड़वी ये सब रख लिया, लेकिन आजकल लड़कियां ये भी फैशन ट्रेंड के हिसाब से चलती है कि ये भी कलरफुल होना चाहिए विथ योर कॉस्ट्यूम. सो ये है, मैंने 2 रखी हैं थालियां कि मुझे नहीं पता था लास्ट मोमेंट पे कौन सा कलर होने वाला है. सो ये 2 थालियां मैंने रेडी की. अच्छा फिर पाइन जाए घर वाले तो लड़ाई करके हुई गड़वी होते सिर पर मार दो लेकिन पहला ऐसे पूरा फैशन करना है ना. सो शादी में ना थोड़ा स्ट्रेस भी था क्योंकि उस टाइम पे ना बड़ी चीजें थी, ऐसे लग रहा था कि ये भी करना है वो भी करना है, ये इतने सारे फंक्शन है. अभी पता है कि सिर्फ सॉर्टेड है, करवा चौथ है, पहले ये निकल जाए, दिवाली का हम बाद में देखेंगे. तो वो इन लोगों ने मुझे हेल्प कर दिया. पहले उस टाइम पे अगर ये मेरे फ्रेंड्स होते तो शायद मुझे शादी में भी इतना स्ट्रेस नहीं होता, मैं सॉर्टेड रहती, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. इनको सिर्फ बता देती हूँ मुझे ना ये लग रहा है मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ. ओके अभी भी इंटरव्यू के लिए मैं सोचे जीन्स टॉप पहन लेती हूँ, लेकिन नहीं, शी सेड नहीं आप अच्छा पहनो. ओ या सी ये भी फैशनिस्ट है और ये भी रात को आई थिंक हमने डिस्कस किया है और सुबह मेरे तक 2 बजे यहाँ पे मेरे पास पहुँच चुकी है और ये 10 हुआ से. और मोस्टली क्या होता है फ़ोन पे ही बात करते हो कि मुझे ना अच्छा लग रहा है, ये सोच रही हूँ हमारा ना ये फंक्शन है. अच्छा दीदी तुझे सोच रहा हूँ मैं हूने बनानी है. सो ये ऐसी हैं, ऑलवेज रेडी. मतलब मुझे लाइफ में कोई चीज़, मतलब जब से मैं जलंधर आई हूँ ये जो हैं क्या फोटोग्राफर दीदी तुम इधर आओ, टेंशन ना लो तेरी ड्रेस आ जाएगी. अच्छा इसे हम जब वी मेट की करीना कपूर बोलते हैं, मतलब ये पता नहीं कैसे शांत है ये नहीं तो चुप नहीं रह सकते. हेलो हेलो इतना नहीं बोलते जो बोलते हो बोलो. नहीं अभी मेरा हेडेक हो रहा है ना इसलिए थोड़ा थोड़ा सा वो एटीट्यूड भी रखेंगे. सो ये है जो मेरी, मतलब मुझे अच्छा अगर मुझे लगता है ना अच्छा फोटोग्राफर चाहिए, कुछ सोच रही हूँ मैं. ओ यार निहारिका, अच्छा निहारिका हाँ हो जाएगा. बस मुझे डेकोरेशन का कुछ सोच रही हूँ, हाँ हो जाएगा ना, ये नंबर में तन देनी. मतलब शी इज़ लाइक दिस. मतलब मुझे ऐसा लगता है वो की कहते पंजाबी जो डायरेक्टरी होंगी पंजाबी फोन बुक दी वो तुसी हो है ना, ए ओ है इन हर चीज़ हर सर्विस दी, इन्हें कोई नंबर होगा और ऑलवेज दिया है. मतलब रात को मैं 2 बजे कॉल करा, 3 बजे कॉल करा, ए तो हजे शाये बेबी है ना, मैंने नवे नवे मिले हैं बट नवे च भी इन्हों का कम, सॉरी मैं पंजाबी बोल रही हूँ पंजाब वालों के लिए, हिंदी हिंदी वालों के लिए. सो मैं मिक्स सबको बैलेंस करके चल रही हूँ. तो हैंड एम्ब्रॉयडरी का जो काम है मुझे बहुत पसंद है. सो शी इज़ लाइक प्रो इन दैट. और अभी इन्होंने नया स्टार्ट किया है बट नया स्टार्ट में अभी लोगों को पता नहीं लगे, लेकिन जिस दिन पता चलेगा ना तो फिर इसके बाद मेरे लिए भी टाइम नहीं होगा ऑर्डर लेने के लिए. यस ओ या देखो करवा चौथ के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैं सूरत बॉम्बे घूमने गई थी, बॉम्बे से फिर मेरा सूरत का प्लान बन गया. सूरत में मेरी फ्रेंड खुशी है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड है, वो भी प्रमोशन करने में माहिर रहती है. तो उसने बोला मेरी फ्रेंड के पास चलो तुम्हें बहुत चीज़ें पसंद आएंगी. सो एक्चुअली वहाँ पे ये अभी तो ये एक ही डाला मैंने, मेरा बस चलता है मैंने जो अफगानी सेट लाया वो भी डाल लेती हूँ चाहे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है. सो ये मैंने सूरत से लिया था, जलपा करके है उनका नाम, उनका शॉप से. उनके पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है. सो मुझे इस लगा इस ये देख लो यही होती है जिससे ये हाँ लेकिन थोड़ा एंटीक, हाँ इंडो वेस्टर्न में के साथ पहन सकते हो, इंडियन के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, नॉट विद ट्रेडिशनल लुक बट लोग आजकल उसके साथ भी थोड़ा मिक्स एंड मैच करके पहन लेते हैं. तो मुझे भी यही लगा सूट के साथ बड़ी अच्छी तरह जा रही थी. सो मैंने कहा ज़्यादा ताम झाम ना करते नेक पीस पहन के. देखो चमकते रहना ही मेरा काम है चाहे कुछ भी हो. सो मैंने सोचा बालों में भी, लेकिन हट के चलो सबसे, मतलब
क्राउड में सेम तो सारी दुनिया जाती, थोड़ा सा डिफरेंट। चलो मैंने बालों में भी लगा लिया, ये बॉम्बे में होता है, यहाँ पे भी लोग करते हैं बट मुझे यहाँ पता नहीं है। सो हाँ, ये मुझे फर्स्ट करवा चौथ पे गिफ्ट मिली थी, मिडिल फिंगर का ऐसा कुछ नहीं है बट ये मेरी इंगेजमेंट, ये मेरी फ्रेंड ने दी थी, सॉरी इंगेजमेंट रिंग को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। ये मेरी परमानेंट रिंग है जो हमेशा रहती है, शादी से पहले भी थी, अभी भी है, अब थोड़ी सी चेंज करवाने वाली है क्योंकि साढ़े ब्राह्मणा च कहते खंडित नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा एक स्टोन निकल गया, सो ये जल्दी चेंज हो जाएगी। और बस अभी मैंने ज़्यादा ताम झाम नहीं किया। हाँ, मैंने पता कुड़िया कहेंगे इतना कुछ करके भी कहते ताम झाम नहीं किया, बट ये मेरी तरफ से कम था। यस, ये तो दो थालियां हैं जो सासू माँ के लिए हैं, जो हमारे में कहते हैं पूजा। पहले निहारिका तुसी बैठो, मैंने ना टेंशन नहीं, मेरे दोस्त तंग नहीं होने चाहिए। सो ये जो थालियां जो सासू माँ को देते हैं पूजा टाइम पे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बट मम्मा ने बोला था कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं और मठियाँ होती हैं, सो वो सब मैंने लाई हैं, नमकीन फीकी जो करवा चौथ पे देते हैं वो सब। और ये पार्वती जी का सुबह सामान निकालते हैं श्रृंगार का, सो ये सब है थोड़ा थोड़ा। और ये सिंदूर वगैरह मैंने ला के रखे हैं, बिंदियाँ। ये जो है मतलब जिनके लिए व्रत रख रही हूँ उनके लिए अच्छी चीज़ ना लाई जाए तो फिर क्या फ़ायदा लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपना भी ख्याल रखा है, खाली पति के लिए क्यों लाऊँ व्रत, मैंने भी तो रखना, फिर मैं अपनी फेवरेट भी चीज़ लाऊँगी। तो मैंने काजू कतली लाई है अपने लिए, दोनों को खुश रखना, अपने आप को भी और पति को भी। सो ये पति का फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है। ये एक जोक याद आ गया सुबह सुबह पति जोर जोर से नारियल तोड़ रही है, ओए की कर रही है तू, तो वाइफ बोलती है मर जाने तेरा ही स्यापा सो वही कल होने वाला है मेरे साथ सो टच वुड, बाबा जी लंबी लंबी उम्र करे। सो ये नारियल है जो सुबह खाते हैं, और सर्गी के टाइम पे कुछ जैसे बोलते हैं ना केला खाना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, जिससे सुबह पूरा दिन निकल जाता है, प्यास कम लगती है। सो ऐसी चीजें खाती है जिससे हाइड्रेट रहती है, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। सो वो छोटे काले गुलाब जामुन देख रहे हो, वो भी मेरे फेवरेट है, मतलब आधे से ज़्यादा ख्याल मैंने अपना ही रखा है। और फ्रूट्स है जो पूजा टाइम पे चाहिए होते हैं, फास्ट के टाइम पे बोलते हैं कांच की चूड़ियाँ होनी ज़रूरी है, तो ये मैंने सुबह के लिए लाई हैं कि सर्गी टाइम पे मैं शगुन करने के लिए कांच की चूड़ियाँ डालूंगी। और क्या सर्गी में खाती हूँ, मतलब मुझे याद है जब मम्मा करवा चौथ रखते थे तो वो फैनियाँ बोलते हैं ना पंजाबी में, मुझे उठने का लालच ही बस यही होता, मुझे तो नींद ही नहीं आती कि सुबह उठ के फैनियाँ खानी, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो वो फैनियाँ और नारियल कच्चा तो मेरा फेवरेट है, ये दो चीज़ें होती है। बाकी मेरी सासू माँ तो मुझे ज़बरदस्ती कहते तू परौंठी खा, तू पूरा दिन कट रहा, तू सब्जी खा, सो वो मुझे खिला के ही छोड़ते हैं। डिफ़िकल्ट एक्चुअली जब मैं प्रेगनेंट थी, शादी के बाद का मेरा पहला फास्ट था, डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी, मैं रख नहीं पाई थी वो। सो मुझे वो गिल्टी लगता था कि हमारे में बोलते कि रखना ही चाहिए जब आपने शुरू किया। सो वो एक फास्ट ऐसा था जो मैंने नहीं रखा था, सो फिर मुझे वही लगता। और आज जैसे थोड़ा रिदान की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे हस्बैंड यूवी सिंह जी बोले कि फास्ट मत रख लो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा चाहे मैं तैयार ना हुआ लेकिन मैं फास्ट ज़रूर रखूँगी, बिकॉज ये हमारे में माना जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए और अच्छा होता है, मतलब रखते हैं। तो मेरी मम्मी को मैं शुरू से देखती हूँ, वो आज तक रखते हैं, तो मुझे भी रखना है टच वो। तो करवा चौथ की कहावत है, कहते हैं कि अगर करवा चौथ वाले दिन पति रूठ जाए उसको मनाना नहीं होता है। मैं वैसे भी नहीं मनाती, खुद ही मानते हो और क्या, थोड़ा थोड़ा जब गलती करोगे तो फिर खुद ही मनाएंगे, जब मेरे को मनाना होता तब मैं मना, जब तक बेबी नहीं था तब तक मैं मनाती थी, अब वो मनाते हैं, थोड़ा चेंज हो गया। सारी सहेलियां फोन एडिक्टेड तो है, वो हमें देख लिया, लेकिन इनमें से होलियां कौन अच्छी गाती है, गाना कौन अच्छा गाती है वो बता दो। मैंने उनको गुरुद्वारे में पाठ करते जरूर देखा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं कहा गुरप्रीत तुसी गुर शब्द गा रहे हो, मतलब पर्सनैलिटी देखो, बेब्स हॉट मॉमी, लेकिन शब्द मतलब मैं बड़ी इंप्रेस थी। ये डांस तो बहुत अच्छी है, सो मेरे को म्यूजिक सिस्टम भी है, वी कैन प्ले अ म्यूजिक और डांस होगा। करवा चौथ में थोड़ा तो बनता है ना, मतलब पता चले हमने जिंदगी में कितने पापड़ बेले हैं पतियों के लिए नाच नाच के दिखाएंगे। तो इट्स अ पंजाबी फोक राइट, या वही चरखा मेरा रंगला विच सोने दिया मेखा, चरखा मेरा रंगला विच सोने दिया मेखा, वे मैं तेनु याद करा जद चरखे वल वेखा, वे मैं तेनु याद करा है जद चरखे वल वेखा,
चरखा मेरा रंग ला। थैंक यू। ओके। कंघी वामा ते दुखन मेरे वाल नी माए, कंघी वामा ते दुखन मेरे वाल नी माए, मैं ते हो गई हालों बेहाल नी माए, मैं ते हो गई हालों बेहाल नी माए, कंघी वामा ते दुखन मेरे वाल नी माए, कंगी वामा ते दुखन मेरे वाल नी माए। थैंक यू। देखो डबल डबल काम करने वाली हैं। देखो तानू कुड़ी तानू होंदा ना सिंगर केड़ी लभी कोई नवी चाहिए, ए देखो उभरता सितारा, मतलब माय गॉड कहाँ थे तुम? मतलब साड़ी फ्रेंड हो के सानू ही नहीं पता इतना सोना गांदी है। वाह रियली नाइस, बहुत अच्छा गाया। वाह वाह, हाय आई एम जेलस। मानसी की मेहंदी लग चुकी है। मानसी मेहंदी के बारे में बताओ यार, बहुत सिंपल सी मेहंदी लगवाई है आज, क्या रीजन है इसके पीछे? मुझे लग रहा था कि सुंदर लगनी चाहिए चाहे छोटी हो, तो वही है मतलब क्लीन एक एक चीज़ दिख रही है नीटली क्या, और मेरा अभी छोटा बेबी हो गया उसको भी संभालना है, सो ये जल्दी सूख जाएगी, कलर आ जाएगा, पति भी खुश मैं भी खुश। अच्छा। तो सबसे पहली जो मेहंदी के साथ जुड़ी याद है क्या? मुझे याद है, वैसे मुझे मेहंदी का इतना शौक नहीं है, लेकिन जब मैं लगाती तो मुझे होता है कि दाग चढ़ जाए, और जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी मुझे याद है सुबह 5 बजे तक पूरे मेहंदी लग रही, पूरे पैरों पे, पूरे हाथ, और यूवी सिंह जी साथ में ना ड्रायर लेके लगे हुए कि सूख जाए जल्दी, मे भी उनको होगा कि जल्दी सोए मैं भी सो जाके। बट मुझे वो मेमोरी याद है सुबह 5 बजे तक बेचारे साथ साथ ड्रायर कर रहे हैं कि सूख जाए सूख जाए, और फिर जब सूख गई फिर वो जो ऑयल लगाते हैं वो पूरा नींबू पानी का वो सारा तैयार करके दिया लगाया, सो वो एक बेस्ट मेमोरी है मेरी मेहंदी के लिए। Alright, तो लाइक पहले जो होता था ना मेहंदी का डिज़ाइन अलग होते थे और मेहंदी अलग तरीके की होती थी, लेकिन आजकल बदल गया है ना, आजकल मेहंदी लोग घर पे नहीं बनाते हैं, तो बचपन की कुछ ऐसी यादें जब मेहंदी खुद खोलते थे? मुझे याद है एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता था क्रॉस, फिर वो वी वी बनाते थे, वो फिक्स था, तो मुझे लगता था वही दुनिया की सबसे बेस्ट मेहंदी है, मम्मी को हम कहते नहीं हम लगाएंगे हम लगाएंगे, तो वो एक मेमोरी है मेहंदी के साथ। बट अभी तो कितनी चीज़ें आ गई, कितने केमिकल्स डलते हैं जिसकी वजह से डार्क हो जाती है मेहंदी, तब तो बोलते थे पति का प्यार है तभी चढ़ेगी, अब पता नहीं किसका प्यार है ये पर चढ़ जाती है। सो लाइक मेहंदी को डार्क करने के लिए क्या क्या नुस्खे आपने अपनाए? कोई चीनी लगाता है कोई कुछ, आपने कौन कौन से नुस्खे जो अपनाए हैं? तो फिल्मी तो मैं भी बड़ी हूँ, तो जब मुझे मेहंदी नहीं ना चढ़ती तो अंदर से साइकोलॉजिकली मुझे लगता था हाय मेरा घर वाला मेनू प्यार नहीं करता, मेरी सास मेनू प्यार नहीं करती होगी, सो वो होता है ना नींबू पानी पूरा थोड़ा सा पानी लो उसमें नींबू चीनी डालो फिर लौंग का सेक लगाओ, किसी ने तो बोलता आयोडेक्स लगा लो मूव लगा लो उससे कलर आ जाता, मैंने सब पैंतरे किए कि बस मेरा पति मुझे प्यार करे, बट टचवुड रंग चढ़े ना चढ़े करता है बेचारा। सो लाइक जब शादी की मेहंदी होनी थी तब उस टाइम की याद है कि कितना ज़्यादा जद्दोजहद थी कि कलेक्शन कैसी होनी चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्या था वो टाइम याद आता है? मैंने बड़ी सर्च की थी, मुझे याद है मुंबई में थे वहाँ पे एक बेस्ट थी, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से भी चीज़ें देखते हो, थोड़ा आप लोगों को लग रहा लेकिन मैं बड़ी किफ़ायती बीवी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता यार ट्रैवल करके आना ये करना फिर इतना ताम झाम होगा नहीं होगा, बट लकीली मुझे इंस्टाग्राम से एक अमृतसर से थे उन्होंने मेहंदी का किया, इतनी सुंदर मेहंदी लगाई उन्होंने, लिटरली पोर्ट्रेट बनाया था यूवी सिंह का और एक साइड पे मेरा, मतलब मुझे ऐसा लगता क्या होता है ना पोर्ट्रेट में डरावने लगते हैं जनरली, अब बनाते कुछ और बन कुछ और जाता है, तो थोड़ा सा यूवी सिंह जी को मोटा कर दिया था बट बनाया बड़ा अच्छा था, मैं कहा देखो तुम ब्याह से सुख गए, उन्होंने किया था ब्याह बाद दर रूप में पहले ही चढ़ा देना, सो वो एक मेमोरी है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी, अनिल ब्राइडल करके हैं पंजाब के हिसाब से, लिटिल एक्सपेंसिव बट ही इज़ टू गुड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है शादी एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम मेमोरी रहती है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है वो उनकी, आप पेज पे भी देखोगे आई नो मुझे नहीं लगता मतलब ये टाइम नहीं है किसी के प्रमोशन करने का, बट आई फील
कुछ लड़कियों को होता है ना कि टाइम पे चीज़ें नहीं पता चलती, कहाँ ढूंढे, तो अगर इसके थ्रू किसी को हेल्प होती तो वाई नॉट। वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी उन्होंने, तो वो मेरी मेमोरी है एक मेहंदी के साथ। राइट, तो मेहंदी तो हो गई, और मेहंदी के साथ साथ लाइक आज दिखा दीजिए सबसे पहले मेहंदी। अच्छा, ये उल्टे हाथ पे लगाने का भी जो है ये शौक है आपको? शौक तो नहीं है, फैशन है। सो मुझे ऐसा लगता है वो कंप्लीट लगती है मेहंदी की, लगाई तो मैंने थोड़ी है, बट मुझे ऐसा लगता है पीछे भी हो तो सुंदर लगेगी, बस लगा डालो अब। हाँ जी, राइट। तो अभी जो है वो मेहंदी के साथ साथ और क्या क्या प्लान है जो अभी इसके बाद शुरू होने वाले हैं करवा चौथ के? अभी तो ये है कि कल की सरगी की प्रॉपर जो सुबह उठ के क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी अभी आई थिंक 9 बजने वाले हैं ना, सो मुझे रात, अभी मेरा बेबी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मुझे सुबह की प्लानिंग पूरी करके अभी रखनी पड़ेगी। कल मुझे कैसे तैयार होना है, किसके साथ कौन सी लुक रखनी है, वो सब डिसाइड करना है। अभी आप मेरे कॉस्ट्यूम तो देख ही चुके हो, मैंने क्या क्या पहना, बस उसके साथ मेकअप कैसा होने वाला वो डिसाइड करना है, किसके साथ क्या इयररिंग्स है। कुछ कुछ चीज़ें तो शॉर्ट हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, सो वो करूँगी मैं अभी। इंस्टाग्राम के लिए तैयारी पूरी है? हर चीज़ इंस्टाग्राम पे, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी का इंस्टाग्राम का नाम रख देना चाहिए जिंदगी, हर चीज़ तो उसी पे होती है। तो अभी ये जो पोस्ट है ये भी जाने वाली है, अभी तो मेहंदी लगी है इसलिए कंट्रोल में हूँ मैं, 5-10 मिनट बाद आप देखोगे वो सब होगा इंस्टाग्राम। ऑलराइट, तो मेहंदी वाली फ्लैंक पीस दे दो सबको। ਵੱਲ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂੰਨ।